नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल चौहान। और बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जहां राजधानी पटना से आ रही है, तो बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने AK-47 घर से बरामद होने वाले प्रकरण पर आज अपने सरकारी आवास पर प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान उनके आंखों में आंसू दिखा और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया को संबोधित भी किया। और संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पति अनंत सिंह को फंसाया जा रहा है, सरकार उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, मुझे सरकार पर भरोसा नहीं है, हम CBI जांच की मांग करते हैं। श्रीमती मैडम नीलम जी आपके बीच है, विधायक जी के अनुपस्थिति में ये अपने जो शब्द बोल पाएंगी बताएंगी सच्चाई आपको, फिर मैं बस राजनीतिक व्यवस्था के कारण मेरे पति को फंसाया गया है, हमें इंसाफ चाहिए जो राज्य सरकार से मुझे नहीं मिल सकती है। हम CBI जांच का मांग करते हैं, जो कुछ बड़े एजेंसी के द्वारा इसका जांच हो। जिस घर में 14 वर्ष से माननीय विधायक जी नहीं रहते हैं, यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी है घर, आज हम यहाँ हैं, घर पे कोई सामान रख देगा तो क्या हम दोषी हैं? आपको मीडिया बंधु को जानकारी होनी चाहिए, 2004 में माननीय विधायक जी के पैतृक गांव, जहाँ विवेका पहलवान पारिवारिक दुश्मन है, उसी AK-47 से उनकी हत्या, उनको गोली लगा था सीना में, और जिसका प्रमाण न्यायालय में प्रमाणित है जी, बिल्कुल एकदम फंसाया गया, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जब से चुनाव का घोषणा किए तो क्या चुनाव लड़ना गुनाह है? चुनाव ही मत करवाइए आप। कौन फंसा रहा है? फंसा रहा है बिहार सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार में बैठे हुए राजनीतिक लोग, वर्तमान सांसद मुंगेर के ललन सिंह, नीरज सिंह, विवेका पहलवान, भोला सिंह, जो भोला सिंह विधायक जी को सोनपुर मेला में मारने के लिए 50 लाख का सुपारी दिया था, मनु महाराज जी इस पर स्टेटमेंट भी दिए हैं, उनका वीडियो भी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन लोगों को गार्ड मिल रहा है। आज विधायक जी जेल में हैं, उनके पास 3 बॉडीगार्ड थे, तीनों को वापस ले लिया गया। अब मेरी भी हत्या हो सकती है तो उसकी जिम्मेवार कौन रहेगा? राज्य सरकार ना, हमें सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है, गार्ड नहीं दिए जा रहे हैं, और अपराधी को गार्ड दिया जा रहा है। तो बिल्कुल चुनाव में ही उनका जो एक जदयू कार्यकर्ता के हैसियत से वो काम कर रही थी, वो वरीय पदाधिकारी है, उनको इस तरह के काम नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष काम करना चाहिए। चुनाव इलेक्शन में उनको हटाया गया, फिर वह इलेक्शन के बाद उनको वहीं बाढ़ में ASP लिपि सिंह की पोस्टिंग हुई, तो इससे तो साफ बदले की भावना और राजनीतिक बू आ रही है। विधायक जी के फंसाने के लिए, हत्या करने के लिए सब लोग साजिश रच रहे हैं। मंत्री जी से समय लिए हैं, आप परेशान मत कीजिए, आप बोल उनको बोलने, हम लोगों ने जो तय किया है और जो बातें हुई है, मैडम भी सही बोल रही हैं, लेकिन हमारा जो शक है कि लिपि सिंह ने भोला सिंह से, ललन सिंह से, RCP सिन्हा सबसे बात करके, और लिपि सिंह की बात आप कर रहे हैं, लिपि सिंह को चुनाव आयोग ने, आप चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है, चुनाव आयोग ने लिपि सिंह को मुंगेर जिलाधिकारी सा आरोप पत्र संख्या 1377 दिनांक 11/4 को लिपि सिंह के खिलाफ, बिहार चुनाव आयोग का पत्र संख्या 811 दिनांक 12/4 को हम दोनों ने मिल के ज्वाइंटली, हम चुनाव प्रभारी हैं, ये चुनाव लड़ रही थी, हम दोनों ने लिख के पत्र दिया चुनाव आयोग को, और उस संदर्भ में मुंगेर पटना के पूर्व ग्रामीण SP सतेंद्र कुमार, संजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया, चुनाव के दरमियान वो उसके जांच पदाधिकारी बनाए गए, और उन्होंने जो रिपोर्ट किया संजय कुमार सिंह जी ने, उसी पर लिपि सिंह और मोकामा के थाना प्रभारी राजेश रंजन का चुनाव आयोग ने स्थानांतरण किया। स्थानांतरण के साथ ही इन लोगों ने साजिश रचते हुए चुनाव तो और कई पदाधिकारी ने जो बेईमानी करा के जिताया, मैडम चुनाव जनता के बीच में हारी नहीं, 3,60,000 हम लोग को वोट है, उसको 5,23,000 वोट है, लेकिन उसके बावजूद चुनाव खत्म होते ही सतेंद्र संजय कुमार सिंह का पटना ग्रामीण SP के पद से हटा दिया गया, जांच अधूरा रह गया, जांच उनको करके रिपोर्ट सबमिट करना था लिपि सिंह के खिलाफ,
लेकिन उनको हटा दिया गया। और लिपि सिंह को हटाने के साथ जो ग्रामीण एसपी अभी पटना में लाया गया मिश्रा जी को, वो लिपि सिंह से भी नीचे का आदमी है, वो दरोगा लायक आदमी नहीं है। लिपि सिंह उसको गाइड कर रही है, जैसे वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। और जिस हथियार की बात मैडम ने किया, उस हथियार को ये लोग आतंकवादी संगठन उत्तर प्रदेश में, इसका बाप आईएएस ऑफिसर रिटायर आईएएस आरपीसीपी सिंह ने मंगवाया है। मेरा उसके पास प्रमाण है, हमारा वीडियो हम भी जारी करेंगे, समय आने दीजिए, मैं जारी करूंगा कि कैसे वो हथियार मंगाया और कैसे ये लोग बैठ के और उसके हिसाब से। जहां तक बात है, वो सामूहिक मकान है इनका, उस मकान में विवेका पहलवान का भी बाप का हिस्सा है तो इनका भी हिस्सा है उस मकान में, जो दिखा रही है। और दो पुलिस वाले को बनाई है लिपि सिंह की गवाह उस गाँव में। 44 बूथ पर हम लोग को 40 वोट, हम लोग को ज़्यादा वोट है, उसको भी 40 वोट जेडीयू के उम्मीदवार को है। मुखिया विवेका पहलवान की बहू है, आप क्यों नहीं मुखिया को आगे किए, आप क्यों नहीं पुलिस के दूसरे पदाधिकारी को आगे किए, आप क्यों नहीं गांव के जो 40 वोटर हमारे हर बूथ पर हमारे खिलाफ दिए हैं 200 आदमी, उसमें से 2 आदमी क्यों नहीं आप ढूंढे। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि 10 बजे रात के बाद आप किसी के घर पर ऐसे नहीं जा सकते, जाएंगे तो इलाके में माइक लगा के आवाज देंगे, लोग को बुलाएंगे। लिपि सिंह ने ऐसा कोई काम नहीं किया। अब जो ये दिल्ली गई, रविनंदन एमएलसी है उसकी गाड़ी है, आरसीपी सिन्हा की गाड़ी नहीं है। ये जिस बैंक ऑफ इंडिया से फाइनेंस है वो गाड़ी विधानसभा ने रिकमेंड किया तो इसको गाड़ी मिली, वो गाड़ी आरसीपी सिन्हा के स्टिकर। इसी तरह से वाजपेयी जी की सरकार में स्टिकर लगा के पार्लियामेंट पर हमला हुआ। अगर पूरी जांच हो तो ललन सिंह, आरसीपी सिंह, ये सब जो प्रवक्ता बने हुए जेडी को, ये सब जेल जाएंगे, अनंत सिंह जेल से बाहर आएंगे। कहाँ लगाया जाता है, जिस एक्ट ने हमारे ऊपर जो एक्ट लगाया है वो एक्ट 15 दिन पहले चालू हुआ है, विधायक जी पर ये एक्ट नहीं लगता है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं फंसाने का, इसमें कामयाब नहीं होंगे। हम लोग कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं और राष्ट्रपति महोदय से भी समय मिलना है, आज शाम तक मिल जाए, कन्फर्म हो जाएगा, चिट्ठी भी आप लोग को देंगे। और हम लोग सभापति जी, उपराष्ट्रपति महोदय से समय लिए हैं कि स्टिकर किस आधार पर इशू हुआ और किस गाड़ी नंबर से इशू हुआ और किस सांसद को इशू हुआ, ये आपके मोबाइल पर आ गया होगा, मैं भी रखे हुए हूँ, जिन साथियों को नहीं मिला होगा वो देखिए कि किस तरीके से ये स्टिकर इस गाड़ी में लिपि सिंह बैठी हुई है, किस तरीके से साकेत कोर्ट में, हम साकेत कोर्ट में भी केस करेंगे, देखिए किस गाड़ी में लिपि सिंह बैठी हुई है। और ये गाड़ी का पूरी तरह, ये गाड़ी रविनंदन के नाम पर है एमएलसी, ये साक्ष्य माल। अब प्रवक्ता जो जेडीयू के बोलते हैं कि गाड़ी तो बाप की गाड़ी, अरे कौन बाप है, रविनंदन बाप है या आरसीपी बाप है, ये पहले तय करो कि लिपि का बाप कौन है। और हम मांग करते हैं, अगर बिहार सरकार सुन रही हो आपके माध्यम से, तो लिपि सिंह को अविलंब एएसपी बार से हटाया जाए और जो विधायक जी के खिलाफ केस का आईओ बनी हुई है वो आईओ पद से भी हटाया जाए लिपि सिंह को, नहीं तो हम लोग सड़क पर। वही दूसरी खबर मधुबनी से आ रही है, तो आपको बता दें मधुबनी के जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के वार्ड नंबर 10 के निवासी अनुल ठाकुर की लगभग 5 वर्षीय पुत्री सोनाक्षी खेल रही थी घर के बाहर, जहां अचानक से एक सांप ने उसे डस लिया। लड़की के परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब इसके बाद शुरू हुई रोंगटे खड़े देने वाली वारदात, जिसे देख पाना भी सबके बस की बात नहीं है। आसपास के किसी ने कह दिया कि अगर सांप इस बच्ची का जहर चूस ले तो यह बच्ची बच जाएगी। आनन फानन में एक तांत्रिक कहीं से सांप पकड़ कर लाया और फिर जहां उस लड़की सोनाक्षी के पैर में जहां पे उस सांप काटा था उसे उसी जगह पे डसवाना शुरू कर दिया। अंधेरी कोठरी में कम प्रकाश के कारण बार बार सांप सोनाक्षी को डसवाया, लेकिन सोनाक्षी बच न सकी। आज के पढ़ेली के सभ्य समाज में घटना एक दाग जैसी है। तीन बजे के बीच, लगभग 3 बजे बच्चा दूरा पर खेल रहे थे, सामने में पानी लगा हुआ था तो वहाँ पर सांप आया काट लिया। मधुबनी जयनगर अंचल कार्यालय पर आज से बेलही दक्षिणी पंचायत के सैकड़ों महिलाओं पुरुषों ने शुरू किया जयनगर अंचल पदाधिकारी संतोष कुमार के खिलाफ शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। पिछले महीने आए भीषण बाढ़ में जयनगर और आसपास के क्षेत्रों में भीषण तबाही हुई, जिसके बाद कई जगहों पर संपर्क भंग, सड़क कट जाना, घर पानी में बह जाना, फसल बर्बाद होने जैसा हो गया था। इसके तुरंत बाद बिहार सरकार ने फौरी तौर पर बाढ़ राहत का सामान वितरण के लिए उपलब्ध करवाया, परंतु लोगों का आरोप है कि जयनगर अंचलाधिकारी संतोष कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रकांता कुमारी ने बिचौलियों की मदद से बाढ़ राहत सामान में घोटाला कर लिया।
फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही, देखते रहे बिहार न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।